अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको बताया कि आज से कुछ दिन पहले एंजल मोहम्मद रिजा साहब और मुफीद आर मसूद साहब के दरमियान है जबरी तलाक वाले मसले के ऊपर बहस छिड़ी। एंजल मोहम्मद रिजा साहब का मौकफ ये था कि अगर कोई बंदा गन पॉइंट के ऊपर किसी शोर से उसकी बीवी को तलाक दिलवाता है कि भाई मैं तुझे फायर मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तुम अपनी बीवी को तलाक दो, हालांकि वो शोर तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए अपने मुँह से तलाक तलाक के अल्फाज जो कह देता है, तो इस तरीके से जाओ तलाक नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर मुफीद आर मसूद साहब ने कहा कि भाई ऐसे तलाक जो उस तरीके से हो जाएगी। तो ये आपको पता है कि जर साहब उस साहब के दरमियान बहस चल रही थी, लेकिन उसी के बीच मुफ्ती कामरान शहजाद साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने डिटेल इस मसले को डिस्कस किया है और मुफ्ती दार मसूद साहब को दावत इस्लाह पेश की है कि हजरत आप इस मामले में गलती पर हैं और आप अंधे मुकल्लद अपने बुजुर्गों के फिकह हनफी के बने हुए हैं। इंजर मोहम्मद रिंजा साहब का मौक़ इसमें बिल्कुल 100% ठीक है। मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने कुरान हदीस से और यहाँ तक के इनके अपने हनफी बुजुर्गों से जाओ दलाल दिए जहाँ पर इनके बुजुर्ग जबरी तलाक को नहीं मानते। दुरुस्त बात और मजबूत बात यह है कि इकरा की सूरत के अंदर जो चूंकि कसद नहीं होता, ऊपर ऊपर से कह रहा है, अगर वो बाद में कह रहा है मैंने दिल से बिल्कुल नहीं दिया, मजबूर था, मार देता जान से, इसकी बात को माना जाएगा, इसमें तलाक का हुक्म साबित नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, मोहम्मद बिन अज़हबी साहब ने भी एक पूरी फहरिस्त जिक्र की है कि हजरत उमर से भी एक रिवायत है, हजरत अली से भी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से, इसके अलावा भी दीगर सहाबा इकराम ऐसे हैं कि जिनसे यही मरवी हुआ कि वो हालत इकरा की तलाक को बिल्कुल नहीं माना करते। तो दलील देखें, इस्तदलाल की कुव्वत अगर हम देखेंगे तो यही कौन राजे होता है, इकरा की हालत इकरा सच्चा हो, इसके अंदर तलाक नहीं वाकई होगी। मुफ्ती कामरान शहजाद साहब की पूरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरी खबर यह है कि शाहिद अनवर की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल है जिसके अंदर वो बता रहा है कि मैं अहले हदीस हूँ और तबलीगी जमात वाले सऊदीया के अंदर उनको तबलीग करने की इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग फजाइल माँ से कहानियाँ करवाते हैं, बजाय इसके कि ये लोग कुरान और हदीस को बयान करें, बुखारी मुस्लिम को बयान करें, लेकिन ये लोग वो बयान नहीं करते बल्कि फजाइल अमाल बयान करते हैं। तो जो स्टोरीज ये करवाते हैं वो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं और इनकी इन्हीं किस्से कहानी की वजह से ये लोग दुनिया भर में जलील हो रहे हैं। यानी कि इस तरह कोमर जाओ शाहिद अनवर ने तबलीगी जमात के हवाले से किए हैं, या वीडियो देखें उनके। तबलीग हजरात सऊदी में तबलीग नहीं कर सकते, अगर इन्होंने सऊदी में तबलीग किया तो सऊदी वाले इनके हाथ पैर तोड़ के इनके हाथों में दे देंगे। वजह, क्योंकि ये लोग अल्लाह की बात कम, फसाद और फितना ज्यादा फैलाते हैं। अगर एक इंसान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को जानना है तो सबसे पहले कुरान पढ़ेगा, राइट, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ पढ़ेगा, राइट। लेकिन नहीं, तबलीगी हजरात ने फजाइल आमाल को पढ़ना है और किससे याद करने हैं, मैं अहले हदीस हूँ। तीसरी अपडेट यूके से है जहाँ पर आप एक शख्स को जानते होंगे जिन्होंने एक मुनाजरे के दौरान जहर पी लिया था और एक ड्रामा किया था कि भाई मुझे इससे कुछ नहीं होगा। तो उनके एक शागिर्द ने बाज़ी बुसामी साहब की उस इबारत का दिफा किया है, उसकी तावील पेश की है कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था जब उन्होंने कहा कि रोज़े क़यामत मेरा झंडा सबसे ऊपर होगा, मैं सरदार होंगे और तमाम के तमाम नबी रोज़े क़यामत मेरे अंडर होंगे, नाउस बिला सफ़ुल्ला। तो इसी के हवाले से एक भाई हैं स्प्रेडिंग ट्रुथ होड, उनके चैनल का नाम है और उनका अपना नाम अली है। तो उन्होंने एक डेढ़ लेक्चर इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाया है जहाँ पर इल्मी तौर पर उस भाई को जवाब दिया है। तो उनकी पूरी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। The fact that you said or you used that book when you were making your refutation video, you said that Bayezid Bustami was in a clearly, basically he was in a spiritual state. Now that clearly shows to any logical person, any rational person, any sane person that this was a defense, that you came to defend this. Number one, you called it a refutation. Number two, you said he was in a spiritual state. Again, I'm asking the question, is that if a person says anything like this, is he in a spiritual state? Or in fact, let me rephrase that. Does being in a spiritual state mean that a person will say such filth, a person will say such nonsense? Is that what being in a spiritual state is? Did Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, you know, may Allah be pleased with them all, that they were in spiritual states and they used to say, I'm better than Muhammad, na'udhu billah. When they are not in these special states, like the way we see these people being in special states, then we shouldn't be expecting anything of these guys. Why? Because if these guys are going to do such things, which then, you know, the Sahabas never did so, then we have no expectations of these people. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के दारुलकुमत बर्लिन के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फेमस नाम है ना जो रखा जाता है लोगों का, वो मोहम्मद है। तो ये थी आज की वीडियो, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।